हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सॉल्यूशन वीडियो, जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास सिक्स बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। और हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की सेकेंड यूनिट एंगल्स एंड लाइन की एक्सरसाइज 2C सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले, अगर आपने मेरे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है, और उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे प्रीवियस वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन में सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसवर्सल क्या होता है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स इन अ प्लेन दैट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। तो अगर दो कोई लाइन है, उससे एक और कोई लाइन दो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग लाइन को टच करती है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ओके, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स इन अ प्लेन एट डिफरेंट पॉइंट। किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट पे और दो या दो से ज्यादा लाइन को अगर कोई लाइन टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे कि एक लाइन M है और एक लाइन N है, इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है L, जो कि पॉइंट A और पॉइंट B पर इसको टच कर रही है। सो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। सो एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो यहां पर हम देख सकते हैं, ये मान लेते हैं हम लाइन M है, और ये मान लेते हैं लाइन N है, और यहां पर ये है ट्रांसवर्सल L, विच इज टचिंग दीज टू लाइन्स एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमारा P है और ये हमारा Q पॉइंट है। अब यहां पर आपको एंगल्स बताना है कि कौन कौन से एंगल्स यहां पर आपको देखने मिलेंगे। तो मैं यहां एंगल्स को नंबरिंग के फॉर्म में मार्क कर देती हूं। ये है हमारा एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। सिमिलरली यहां पर है एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8। सो यहां पर मैंने ये एंगल्स मार्क कर दिए हैं। तो इनको कैसे हम रिलेट करते हैं? तो पहली चीज है इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स यहां पर कौन कौन से होंगे? तो ये जो दो लाइन हमको दिख रही हैं, इसके जो अंदर, इन दो लाइंस के अंदर वाले पार्ट में जो भी आपको एंगल्स दिख रहे हैं, वो आपके इंटीरियर एंगल्स होंगे। जैसे कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो ये जो दो लाइन और ट्रांसवर्सल जो कट कर रही है, यहां पर आपके इंटरनल एरिया में जो भी एंगल्स होंगे, जैसे कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये आपके इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट इज दी एक्सटीरियर एंगल। तो इन सारे एंगल्स के बाहर जो एंगल कट कर रही है ट्रांसवर्सल, उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। नेक्स्ट इज को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो ट्रांसवर्सल और ये जो दो लाइन के एक ही साइड आते हैं, जैसे कि 4 एंड 5, ये कहलाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 एंड एंगल 5 आर को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ट्रांसवर्सल के इस साइड देखेंगे तो हमारे पास है एंगल 3 एंड एंगल 6, तो ये दोनों कहलाएंगे आपके को इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट इज दी ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स को याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल टिप मैं आपको दूंगी। अगर जहां पर Z बन रहा होगा, इस तरीके से अगर ये आपकी दो लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, जहां पर भी Z बन रहा होगा वहां पर हम ऑल्टरनेट एंगल्स देख सकते हैं। जैसे कि ये दोनों जो होंगे, दैट विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये दो तरीके से हम देखते हैं। एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहां पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 5 इज मेकिंग जेड. सो एंगल 3 एंड एंगल 5 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6 ये ट्रांसवर्सल है और यहां से आप देख सकते हैं जेड बन रहा है. सो एंगल 4 एंड एंगल 6 आर ऑल्सो कॉल्ड दी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं और इसके अपोजिट देखेंगे, 3 के अपोजिट 1 और 5 के अपोजिट 7. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 7 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. सिमिलरली यहां पर आपने देखा 4 और 6, तो सिमिलरली 4 के अपोजिट है 2, 6 के अपोजिट है 8. सो एंगल 2 एंड एंगल 8 आर दी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. नेक्स्ट इज दी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो एक ही साइड पर आते हैं, जैसे ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही मिरर इमेज बना रहे हैं. जैसे ये दोनों लाइन है, यहां पर ये दोनों जो होंगे दैट विल बी दी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, एक ही साइड आ रहे हो. जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कोरिस्पॉन्डिंग, एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कोरिस्पॉन्डिंग, एंगल 3 एंड एंगल 7 आर कोरिस्पॉन्डिंग एंड एंगल 4 एंड एंगल 8 आर ऑल्सो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो यहां पर आपको इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था. अब यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए ट्रू होती हैं. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? कोई भी दो लाइन अगर एक ही प्लेन में जा रही हो तो अगर वो किसी भी पॉइंट पर मीट ना करे, whenever when two lines in the same plane do not meet at any point even extended to infinity, किसी भी length तक, okay, और उनसे कोई transversal जा रहा है और वो जो दो line होंगी उनको हम parallel lines बुलाएंगे. जैसे कि मैंने यहां पे ये लाइन खींची हुई है, ये कैसी हैं? पैरेलल लाइंस. अगर इनको हम एक्सटेंड कर देते इन्फिनिटी तक तो भी ये कहीं पे भी जाकर मीट नहीं करेंगी. सो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. और पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टी स्टैंड करती हैं. पहली कहती है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. अब मैं इसी के ही साथ ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देती हूं और ये इसका ट्रांसवर्सल बना देती हूं. सो यही मैंने डायग्राम पैरेलल लाइंस एम एन और ये मैंने ले लिया है एल और यही सारे एंगल्स मैं इसके अंदर मार्क कर देती हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट एंगल्स में जैसे कि मैंने बताया था जेड बन रहा होगा, मतलब 3 एंड 5 आर इक्वल, एंगल 4 एंड 6 आर इक्वल. सो ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. सिमिलरली इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ये हमारी पैरेलल लाइन है 2 और 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये भी इसके इक्वल होगा. सो यहां पर आपकी करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं. सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री ये आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री. और याद रखने का बहुत अच्छा तरीका मैं बता देती हूँ, सप्लीमेंट्री को जब ये दोनों हम जोड़ देते तो 8 बनता है. सो मतलब यहां पर ये 180 होगा और कॉम्प्लीमेंट्री में सी आता है जो कि 9 बनाता है, इसलिए ये 90 डिग्री होता है. तो सम
ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड इज सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो होगा दैट इज 180 डिग्री, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो होगा दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री. मतलब इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बुलाते हैं. जैसे कि मैंने बताया था, तो ये एंगल 4 और एंगल 5 कितना हो जाएगा 180 डिग्री ऑन द सेम साइड. सिमिलरली 3 एंड 6 कितना हो जाएगा 180 डिग्री. सो दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर. नाउ वी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज. Now starting with the exercise, question number 1, in the figure, the lines L and M are parallel. Ye do line L aur M parallel hain. Use alternate corresponding co-interior to fill in the blanks. Angle 4 and angle 7 form a pair of angle 4 and angle 7. Ye Z jaisa ban raha hai, yahan par aap dekh sakte hain, is tarike se ye Z ban raha hai. Matlab ye kya bana rahe hain? ऑल्टरनेट एंगल्स. तो यहां पर आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. नेक्स्ट इज एंगल 4 एंड एंगल 5 आर द पेयर ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5. ये एक ही साइड है और अंदर की साइड है. सो दीज आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट इज एंगल 2 एंड एंगल 6 आर द पेयर ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 6. मतलब ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एक ही साइड है ऊपर. सो दीज आर कॉल्ड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर एल इज पैरेलल टू एम. ये हमारा फिगर है, एल और एम पैरेलल है. राइट द नंबर्स डिनोटिंग द एप्रोप्रिएट एंगल इन द ब्लैंक. एंगल 3 एंड एंगल डैश आर ऑल्टरनेट एंगल्स. एंगल 3 के साथ हम जेड बनाकर देख लेंगे, तो ये हमारा जेड बन रहा है. So, angle 5 are the alternate angles. Next is angle 3 and angle dash forms a corresponding angle. तो ये हमारी parallel lines है और ये हमारा transversal. Angle 3 और angle 7 जो होगा that will be the corresponding angle. Next is angle 3 and angle dash forms a pair of co-interior angle. तो ये हमारा angle 3 है और ये हमारा angle 6 है, ये दोनों parallel lines के अंदर है. So, angle 6 will be the answer. Next is question number 3, find x in each of the following if L is parallel to M. तो यहां पर आपको एंगल x फाइंड करके बताना है और आपको गिवन है दैट L is parallel to M. ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और N इसका ट्रांसवर्सल है. तो एंगल x और एंगल 105 इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, दे आर मेकिंग कोरिस्पॉन्डिंग एंगल. सो यहां पर आप लिख सकते हैं L is parallel to M where n is transversal, so angle x will be equal to 105 degree, that is corresponding angle. Next is second part. यहां पर भी l और m parallel हैं, ये हमारा transversal है. Angle x 100 के साथ देख सकते हैं, इस तरीके से ये Z बना रहा है. मतलब ये दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स. तो जो हमारा X है दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स. आप यहां ये चाहे तो यहां पर फिर से रिपीट कर सकते हैं. यहां पर भी आप चाहे तो L इज पैरेलल टू M वेयर N इज द ट्रांसवर्सल वो भी लिख सकते हैं. सिमिलरली यहां पर भी देख सकते हैं एंगल x और 110 के बीच में z बन रहा है, तो x विल बी इक्वल टू 110 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल. हेंस दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ l इज पैरेलल टू m. तो यहां पर l और m पैरेलल है और n जो है दैट इज द ट्रांसवर्सल. अब आप देख सकते हैं एंगल एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम यहां पर इसको मार्क कर देंगे एंगल 1, बिकॉज ये जो एंगल 1 है वो 70 के इक्वल हो जाएगा. ये 70 के इक्वल इसलिए हो जाएगा बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स शो कर रहा है.
ओके और एंगल वन और एंगल एक्स कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. तो यहां पर आप लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ये को इंटीरियर एंगल्स है और इनका सम होता है 180. तो 70 यहां हम लिख सकते हैं प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एक्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 दैट इज 110 डिग्रीज. हेंस दिस इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज एल इज पैरेलल टू एम और यहां पर ये इसका ट्रांसवर्सल है एन. यहां पर हमको एंगल एक्स फाइंड करना है. तो यहां पर हम देख सकते हैं एंगल एक्स और इसको मैं मार्क कर देती हूं एंगल वन. ओके सो एंगल वन जो है एंगल एक्स के इक्वल है बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था. और एंगल वन प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये दोनों कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री दैट इज सप्लीमेंट्री. और वन की जगह मैं अब यहां एक्स पुट कर दूंगी विच इज इक्वल. सो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री. सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट इज l और m पैरेलल है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है n, दिस इज x, दिस इज 70 डिग्री. अब आप देख सकते हैं ये जो एंगल है, लेट अस मार्क दिस एज y. ओके सो y जो है वो 70 के इक्वल हो जाएगा बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और x जो होगा वो y के इक्वल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 70 बिकॉज दे आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल. ये आपका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल शो कर रहा है. तो पैरेलल लाइंस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ l इज पैरेलल टू m. तो यहां पर l और m पैरेलल हैं और आपको x एंड y की वैल्यू बतानी है. तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज अ लीनियर पेयर. सो जब भी आप स्ट्रेट लाइन में नंबर ऑफ एंगल्स बनाते हैं तो वो लीनियर पेयर एक पॉइंट पर बन जाते हैं. लीनियर पेयर का मतलब होता है उन सारे एंगल्स उस पॉइंट पर सम बनाएंगे 180 डिग्री का. मतलब एंगल y प्लस 80 डिग्री will be equal to 180 degree because they are making linear pair that sum of all the angles at that point will be 180 degree. So, yahan se hum y ki value nikal sakte hain 180 minus 80 that is 100 degrees. So, yahan se hamari value aa gayi hai y ke liye 100 degrees. Isko hum mark kar dete hain angle 1. और एंगल वन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप देख सकते हैं एंगल वन और एंगल एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज दे बोथ आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके सो यहां पर आप देख सकते हैं एंगल एक्स की वैल्यू है 80 डिग्री और y की वैल्यू है 100 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. l और m पैरेलल हैं, ये इसका ट्रांसवर्सल है. एंगल x विल बी इक्वल टू 70 डिग्री क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. सो x विल बी इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो मेरे जैसे VOA मत लिख के आना आप पूरा लिखना बिकॉज यहां पर पूरा लिखना पड़ता है, टाइम भी कंज्यूम होता है. और एंगल x प्लस एंगल y ये दोनों कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री. सो एंगल x प्लस एंगल y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एज दे आर को इंटीरियर एंगल्स. ओके सो x की वैल्यू हमने 70 फाइंड कर दी थी. सो y will be equal to 180 degree. So y will be equal to 180 minus 70 degree that is 110 degree. So y ki value hai 110, x ki value hai 70. Next is l is parallel to m, ye iska transversal hai. Sabse pehle hum dekh sakte hain x aur ye 55 degree angle ye. तो ये हमारा z बना रहा है, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स. सो x विल बी इक्वल टू 55 डिग्री बिकॉज दे आर
equal as they are alternate angles. Okay, so अब हम देख सकते हैं x और y एक ही लाइन में एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं. सो एंगल x प्लस एंगल y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. ओके, सो x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है 55, y आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 55, दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री. हेंस y की वैल्यू है 125 और x की वैल्यू है 55 डिग्रीज. हेंस दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. L इज पैरेलल टू m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स 1, 2 and 3 एंड n इज पैरेलल टू p इन थर्ड ओनली. थर्ड में n और p भी पैरेलल हैं. फाइंड x, y एंड z. तो सबसे पहला फिगर हम देख लेते हैं. यहां पर ये l और m आपको गिवन है पैरेलल, जहां पर आपको दो ट्रांसवर्सल देखने मिल रही हैं. सो सबसे पहले हम देख सकते हैं x और 80 डिग्री, इसको मैं मार्क कर देती हूं n और इसको मैं मार्क कर देती हूं p. ओके, सो सबसे पहले के लिए x के लिए l इज पैरेलल टू m एंड n इज द ट्रांसवर्सल. सो फॉर दैट x प्लस 80 will be equal to 180 degree because they are co-interior angles. So x will be equal to 180 minus 80, that is 100 degree. तो x की value आ गई है हमारे पास 100 degrees. अब देख सकते हैं यहां पर ये एक line है और यहां पर एक ही point पर तीन angles बने हुए हैं. So for this z प्लस 30 डिग्री प्लस 80 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर मेकिंग लीनियर पेयर. सो z प्लस 110 डिग्री विल बी इक्वल टू 180. सो z विल बी इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो यहां से हमने z की वैल्यू फाइंड कर दी है. Now you can see that L is parallel to M and P is the transversal. So in this case, if this is the transversal, ये देख सकते हैं इस तरीके से ये Z बन रहा है. Okay, so angle Z will be equal to angle Y, which is equal to 70 degree as they are forming alternate angles. So hence this is the answer. So angle x आपने find कर दिया है, angle y आपने find कर दिया है and angle z आपने find कर दिया है. Similarly for the second part, n and p ये आपके दो transversal हैं where l is parallel to m. तो सबसे पहले हम यहां देख सकते हैं that n और p पैरेलल नहीं है. जो भी प्रॉपर्टी लगेगी वो ये दो लाइन में लगेगी. ओके, एंड बाकी सब इसके ट्रांसवर्सल हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम यहां पर देख सकते हैं दिस इज 45 डिग्री. तो ये एंगल हम फाइंड कर दें तो जिससे x की वैल्यू निकल आएगी, इसको मैं मार्क कर देती हूं 1. सो एंगल 1 प्लस 45 डिग्री will be equal to 180 degree because they are forming a linear pair. Okay, so angle 1 will be equal to 180 minus 45 degree, which is equal to 135 degree. So angle 1 ki jo value aa gayi hai, that is 135. If these two lines are parallel and this is the transversal, x will be equal to angle 1, which is 135 degree because they both are corresponding angles. So yahan se aap likh sakte hain L is parallel to M where N is transversal. So x will be equal to angle 1, which is 135 degree. ये इसका corresponding angle है. So hence
x की वैल्यू आ गई है 135. नाउ मूविंग ऑन टू दिस पार्ट, ये और ये पैरेलल हैं. P इज ई ट्रांसवर्सल. इफ दिस इज 30 degree, z इज ऑल्सो गोइंग टू बी 30 degree बिकॉज दे आर फॉर्मिंग एन ऑल्टरनेट एंगल. सो L इज पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्सल. सो z विल बी इक्वल टू 30 degree एज दे बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स. ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं. एज वी कैन सी दैट y प्लस z विल बी इक्वल टू 180 degree बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. सो z की वैल्यू है 30, हम यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे विच इज इक्वल टू 180 degree. सो y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 30 degree विच इज इक्वल टू 150 degree. सो हियर इज एंगल x, एंगल y एंड एंगल z. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट. हियर वी ऑल्सो हैव p एंड n पैरेलल. ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पर ये जो एंगल है 40 degree इसको इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दूंगी विच इज एंगल 1. ओके, सो 40 degree इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नाउ ये जो है ये आपका पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल हो गया. L और M पैरेलल हैं, ये हमारा ट्रांसवर्सल है और ये भी हमारा ट्रांसवर्सल है. सो इन दिस केस एंगल 1 प्लस एंगल x या x इज इक्वल टू 180 degree बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स. ओके, सो इस तरीके से यहां पर ये 40 degree मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी. x विल बी इक्वल टू 180 degree. सो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 140. सिमिलरली z के लिए भी आप देख सकते हैं यहां पर ये दोनों को इंटीरियर्स हैं. एंगल 1 प्लस एंगल z विल बी इक्वल टू 180 degree बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स. सो ये आपका 40 degree है, z इज इक्वल टू 180 degree. सो z विल बी इक्वल टू 180 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 140 degree. ओके, सो नाउ वी कैन सी हियर y एंड z आर ऑल्सो फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स बिकॉज l इज पैरेलल टू m, दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसवर्सल. तो z प्लस y विल ऑल्सो बी इक्वल टू 180 degree. आप चाहें तो x और y के साथ भी ले सकते थे. सो दिस इज इक्वल टू 140 प्लस y इज इक्वल टू 180. सो y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 140 विच इज इक्वल टू 40 degree. सो हेंस दीज आर दी सोल्यूशंस, दीज आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स. सो आप यहां से देख सकते हैं x की वैल्यू 140, y की वैल्यू 40 और z की वैल्यू भी 140. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. इन द फिगर L इज पैरेलल टू M इफ द लाइन N बाइसेक्ट एंगल BPR देन फाइंड x. तो यहां पर आपको L इज पैरेलल टू M गिवन है और N जो लाइन है दिस इज bisecting the angle BPR. Bisect का मतलब होता है अगर कोई एंगल किसी थर्ड लाइन से बाइसेक्ट हो रहा है कि इसका मतलब हो जाएगा ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल है. मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अगर किसी लाइन को अगर हम किसी एंगल के बीच से बाइसेक्ट कराते हैं तो ये दो एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं. तो वही चीज यहां पर मैं पॉइंट करना चाहूंगी. लेट अस मार्क दिस एज एंगल 1. ओके, सो इफ n बाइसेक्ट्स, इफ लाइन n bisects angle BPR, then we can say that angle 1 is equal to angle x. Okay, अब
यहां आप देख सकते हैं L इज पैरेलल टू M एंड दिस लाइन PQ दैट इज द ट्रांसवर्सल. L इज पैरेलल टू M एंड लाइन PQ इज द ट्रांसवर्सल. So now, this is 120 degree. So ये भी आपका 120 degree हो जाएगा. Okay, angle APR, angle APR will be equal to 120 degree as it is forming a corresponding angle. Okay, so now here at this point L, angle APR plus angle 1 plus X will be equal to 180 degree because they are forming a linear pair at this point. तो यहां पर ये और ये क्या बना रहे हैं, they are forming a linear pair. So angle APR is 120 degree, angle 1 is equal to angle X, ये आपको पता है. So यहां पर X लिख सकते हैं इसकी जगह, और X की जगह हमने X लिख दिया which is equal to 180 degree. अब यहां पर लिख सकते हैं इसको 2X which is equal to 180 minus 120, और 2x will be equal to 60 degree. So x will be equal to 60 divided by 2, that is 30 degree. So angle x की value आ गई हमारे पास 30 degree. Hence this is the answer. Next is question number 8. In the figure, the line L is parallel to M. Prove that X plus Y plus Z is equal to 180 degree. So, yahan par L aur M aapko parallel given hai. Let us mark this as P, Q and R. Okay. So, ye angles bhi main mark kar deti hu, angle 1 aur ye ho jayega aapka angle 2. So, L is parallel to M where PQ and PR are transversals. ये अगर transversal है तो आप देख सकते हैं ये क्या बना रहा है, alternate angle. So angle 1 will be equal to Y. अगर ये transversal है तो ये इसके साथ alternate angle बना रहा है, that means angle 2 is equal to Z because they both are making alternate angles. Now we can see that angle 1 plus angle 2 plus X is equal to 180 degree because they are forming a linear pair. Angle 1 की जगह हम Y लिख सकते हैं, angle 2 की जगह हम Z लिख सकते हैं, और यहां already X given है which is equal to 180 degree, hence proved. आप इसको फिर से rearrange करके लिख सकते हैं, X plus Y plus Z is equal to 180 degree. I hope आपको मेरे solution video जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी doubt या query है तो आप मेरे channel के comment section में comment करके पूछ सकते हैं. And also you can join me up at the Telegram, जहां पर आप Unfold Learning के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे आप अपने क्वेरीज या डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. And thank you for watching my videos.